तो खमागणी ऑल पधारी हमारे घर पे। ये हमारी कुल्ले। सो गाइस ये अंदर का व्यू है और कभी कभी फिर यहाँ से। सो गाइस इसके बाद किचन के बाद है हमारा ये छोटा सा रूम। ये हमारी मेरी मम्मी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण राठौड़ और जैसे कि गाइस मैंने बोला था आपको कि दिवाली पे मैं आपको मेरा होम टूर दूंगी। सो पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और दिवाली और रोम रोम सा आपने और अपनी फैमिली ने। सो अभी स्टार्ट करते हैं होम टूर। और इतना बड़ा भी मेरा घर नहीं है जिस तरह से आप देखना चाहते थे। बहुत एक्साइटेड थे, बहुत जनों के मैसेज आए थे कि जीजा आपका होम टूर दो। तो अभी दिवाली पे हमारे पेंट किया है। सो अभी कुछ और भी नई है जो चीज़ें हैं वो ऐड की है, तो फिर सोचा है अभी देते हैं होम टूर। सो अभी स्टार्ट करते हैं और घर बताते हैं और इतना खास नहीं है कुछ, ठीक है, जैसा भी है हमारा छोटा सा घर प्यारा सा बताते हैं आपको, शेयर करते हैं। मेरी मम्मी से भी मिलाते हैं, पापा घर पे हुए तो पापा से भी मिला लेंगे और मेरे भाई को तो आप जानते ही हो। सो अभी स्टार्ट करते हैं घर के बाहर से, तब आपको पूरा समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट। तो खमागणी ऑल पधारी हमारे घर पे। ये है हमारा घर का मेन गेट एंट्री गेट। सो चलो अभी अंदर। सो गाइस ये है हमारा पूरा घर के अंदर आते ही देख लो पहले। और ये हमारी मेरी मम्मी है। बोल कैसा लगा हमारा घर? अच्छा लगा, पागल ऑफ रूस घर। तो गाइस ये मम्मी थी और ये हमारे घर पे झाड़ है, कई भी झाड़ है मम्मी करजी रो। सो ये बहुत बड़ा, ये मेरे अंकल ने मतलब जो ऑफ हो गए बहुत टाइम हो गया उन्होंने डाला था, तो काफी बड़ा हो गया और बहुत सारी छाया देता है। सो अभी आ गया हो, ये देख लो यहाँ से पूरा व्यू। ये उस साइड का जो है ना वो हमारा है, ये वाला हमारे अंकल का है। तो दोनों सेम ही है, सिमिलर है दोनों। तो अभी ये हमारा बाथरूम है नहाने का और ये है हमारे घर की सीढ़ियाँ ऊपर जाने की। ये ऊपर भी जाती है गाइस, इसकी खास बात है कि ये ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, ठीक है। चलो अभी अंदर आ जाओ। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन, देख सकते हो। बस ये गैस है, ये हमारे बर्तन रखने का है, बस ये हमारा छोटा सा किचन है जिसमें मैं आपको कभी कभी ब्लॉग बनाती हूँ खाने के वगैरह, वो यही बनाती हूँ। सो अभी चलते हैं अंदर रूम में। सो रुक। सो गाइस इसके बाद किचन के बाद है हमारा ये छोटा सा रूम और है जिसपे सब ऐसे सामान पड़ा है। और सर्दियों में किट्टू सोती है यहाँ पे, ये हमारी किट्टू का रूम है, रूम भी बोल सकते हैं किट्टू का। और बिस्तर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो रखने के लिए है, और कपड़ों के जो हमारे बचते हैं का वो रखने के लिए। तो इसको अभी फटाके से बहुत डर लग रहा था इसको, इसलिए अंदर डाला था, अभी ये बाहर आना इसको। सो अभी जाते हैं अंदर, चलो। सो गाइस अभी यहाँ भी आ जाओ जल्दी से, अब आपको बताती हूँ मैं। और ये देखो हमारे हमारे इधर दो रूम है, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है हमारे, मतलब ये छोटा की उसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारा बड़ा वाला रूम जिसमें भगवान की मूर्ति है, हमारी कुलदेवी है, हमारी कुलदेवी नागेश्वरी माता का मंदिर बना है हमारे घर पे, ये देख सकते हो आप। ये हमारी कुलदेवी है, इनका मंदिर बना। ये हमारे रात को जो लक्ष्मी पूजन किया उनका अभी ये पाठ उठाना है। और इधर मेरी मम्मी की अलमारी बड़ी है, इसमें इस वाले में सारी मेरी पोशाकें भरी हुई है, मेरी मम्मी बाहर नहीं निकालने देती। और ये हमारा फ्रिज है, किचन थोड़ा छोटा है इसलिए हम फ्रिज है वो इस बड़े वाले रूम में ही रखते हैं। बाकी बहुत सारे बर्तन है मेरी मम्मी के, बहुत बहुत सारे, बट बाहर नहीं रखते सारे क्योंकि फिर इतनी सफाई कौन करे, इसलिए गिने चुने बर्तन जो काम में आ सकते हैं बस वो ही यूज करते हैं। उसके अलावा अभी दूसरे रूम में चलो। तो गाइस ये वाले रूम में अगर कुछ इधर उधर कचरा पड़ा उसको इग्नोर करना क्योंकि ये रूम मेरा है छोटा सा। ये मेरी अलमारी है और ये मेरी सारी ज्वेलरी है जो ऐसे पड़ी है, ये सब मेरे रेडी होने के लिए पर्स है वगैरह और बाकी सब चीजें ऐसे पड़ी है। ये छोटा सा रूम है, ये बस मेरे रेडी होने के लिए है। ये मेरी अलमारी है जिसमें कपड़े बाहर आ गए,
ये देखो गाइस, ये आधे कपड़े इसमें पड़े हैं, आधे इधर पड़े हैं, आधे मजू में है आधे। और गाइस ये हमारा छोटू सा टेडी है जिसका नाम अक्की है। ओके, इसको रखते हैं इधर, ये ही सोता रहता है हर टाइम। सो गाइस ये है मेरा छोटा सा रूम जो आपने देख लिया, अब वापस पा रहा हूँ। आप लोग मिठाइयाँ भी खा लेना, मुँह मीठा कर लेना। उसके अलावा अभी ये हमने मतलब अभी न्यू पेंट ही किया है अभी दिवाली के लिए। सो अभी दिवाली पे लाई है हमारे ये न्यू टीवी, पहले दूसरी थी छोटी वाली एलसीडी नहीं थी, सो अभी ये न्यू ली है हमने। एक तो ये अभी न्यू ऐड की है जो काफी अच्छी लग रही है। सो गाइस ये हमारे दो रूम हो गए, उसके बाद ये बरामदा बना हुआ है जो काफी लंबा है, बहुत लंबा, ठीक है। हम यहाँ पे ही सोते हैं रात को। और ये हमारी सिलाई की मशीन है। ऐसे तो हमारे घर पे तीन मशीन थी, ऐसे तो गाइस हमारे घर पे तीन मशीन थी और अभी दो है, एक मेरी मम्मी ने मेरी ननिहाल वापस दी थी। ये है मशीन, एक और मशीन है, ये मेरी है, ये वो मेरे मम्मी की। बाकी ये सब कपड़े, अब जो घर पे कपड़े इतने सिलने कपड़े आते हो उनके घर पे तो कपड़े रहेंगे ही, तो उसको इग्नोर कर देना आप लोग। तो ये हो गया इस साइड वाला भाग। और ऐसा का ऐसा सेम पास वाला है वो मेरे अंकल का है, और छत से मैं आपको व्यू बता दूंगी। तो चलो अभी चलते हैं। सो गाइज ये अंदर का व्यू है, और ये इधर मतलब घर के अंदर से ये बाहर का व्यू आता है, वो रहा मेन गेट, और है पापा मेरी मम्मी। सो गाइज अभी छत का भी मैं बताऊंगी आपको अभी जल्दी ही। सो गाइस घर अंदर का देख के अभी मैं आपको छत के ऊपर का व्यू बताती हूँ हमारे इधर का। सो ये हमारे छत पे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, देख सकते हो। ये हमारा एंट्री गेट है, वो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ये जहाँ ये हमारा रूम वगैरह। और ये है सीढ़ियाँ, इससे मैं ऊपर जा रही हूँ जहाँ पे मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाती हूँ रील्स, वो अभी मैं आपको जगह बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो हमारी इतनी बड़ी है वो छत है ये पूरी। और अभी ना मैंने चेंज भी कर लिया था, और ये वाला मैं शाम के टाइम में शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी। सो अभी बना रहे हैं, तो देख सकते हो गाइज ये है पहाड़, जो कभी कभी पहाड़ का व्यू आता है मेरी रील्स में आप देखते होंगे। सो उसके बाद है मैं ज़्यादातर वीडियो यहाँ पे बनाती हूँ, आपने देखा होगा कि पीछे वाला ये व्यू आता है, यहाँ पे बनाती हूँ। और कभी कभी फिर यहाँ से यहाँ पे लोग होते हैं ना, तो वो मेरे को ही देखते रहते हैं मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो फिर मैं यहाँ बना देती हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ऊपर वाला छत वाला व्यू है मेरे घर का, ये छत से घर मेरा ऐसा दिखता है, ये रे मेरी मम्मी और ये पूरा। तो गाइज आई होप आप सबको मेरा घर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कर देना, मैंने आपकी डिमांड पे होम टूर दे दिया है। सो अभी यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो अगर आप लोगों को मेरा घर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।